तिलक लगाने की परंपरा हमारी संस्कृति और धर्म में प्राचीन काल से ही रही है। हिंदू आध्यात्म की असली पहचान तिलक से होती है। मान्यता है कि तिलक लगाने से समाज में मस्तिष्क हमेशा गर्व से ऊंचा होता है। कई सालों से लोग इस परंपरा को निभाते हुए आ रहे हैं। विज्ञान की दृष्टि से भी तिलक लगाना उपयोगी माना गया है। हिंदू परिवारों में किसी भी शुभ कार्य में तिलक या टीका लगाने का विधान है। ये तिलक कई वस्तुओं और पदार्थों से लगाया जाता है। इनमें हल्दी, सिंदूर, केसर, भस्म और चंदन आदि प्रमुख हैं। विवाहित स्त्री अपने मस्तक पर कुमकुम का तिलक धारण करती है। जो संप्रदाय के हिसाब से तिलक लगाए जाते हैं, ऊर्ध्वपुंड, त्रिपुंड, शैव, शाक्त, वैष्णव, आचार्य संप्रदाय के तमाम संत महात्मा विद्वान गृहस्थ त्रिपुंड लगाते हैं। श्रीखंडम चंद्रम दिव्यम गंडाढ़्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठो चंदनम प्रतिगृहताम चंदनम महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठत सर्वदा। मूल चीज जानना चाहिए कि चंदन लगाने से आपदा का हरण होता है, अकाल मृत्यु नहीं होती है, लक्ष्मी प्राप्त होती है, गरीबी समाप्त होती है, विद्या बुद्धि की वृद्धि होती है, इसलिए चंदन लगाया जाता है। वह अपने अपने इष्ट के अनुसार चंदन लगाते हैं। जो शैव उपासक हैं भगवान राम के उस गांडीव को अपने मस्तक धारण करते हैं। जो देखिए ये जो कम जानकार लोग हैं उनको इसका भ्रम होता है। भगवान शिव और भगवान राम में कोई भेद नहीं है। भगवान राम जो त्रिपुंड लगाते हैं भगवान शिव के त्रिशूल को मस्तक पर धारण करते हैं और भगवान शिव भगवान राम के गांडीव को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। इसलिए जो राम विष्णु शिव हैं सारे देवता एक हैं। चंदन का मतलब केवल जो मुख्य रूप से वो पांच ही है कि आपदा का हरण हो, लक्ष्मी की शक्ति प्राप्त हो, विद्या बुद्धि प्राप्त हो, अकाल मृत्यु ना हो और देश में विद्या बुद्धि सहित देश की संपन्नता बनी रहे, गरीबी समाप्त हो। इसके लिए चंदन लगाना सबके लिए गृहस्थ के लिए भी आवश्यक है, चाहे वो ऊर्ध्वपुंड हो, चाहे वो त्रिपुंड हो, चाहे वो शैव हो, चाहे शाक्त हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे अखाड़े वाले हो, चाहे किन्नर अखाड़, सबके लिए चंदन सबके लिए कल्याणकारी है। यहाँ तक कि गृहस्थ को भी चंदन लगाने का विशेष अधिकार है। इसलिए चंदन पे किसी भी प्रकार का प्रतिवाद नहीं है। वह केवल अपनी अपनी आस्था और अपने अपने श्रद्धा के अनुसार हम अपने अपने इष्ट को स्मरण करके उनके अनुरूप देवम भूत्वा देवम यजेत, शास्त्रों में एक सूक्ति है उसके अनुसार अपने देवता को स्मरण करके उनकी तरह त्रिपुंड ऊर्ध्वपुंड ब्रह्मपुंड लगा करके श्रीपुंड त्रिपुंड ब्रह्मपुंड ऊर्ध्वपुंड लगा करके हम लोग प्रभु को नमन करते हैं, पूजन करते हैं, वंदन करते हैं, अर्चन करते हैं और चंदन लगा करके अपने पापाक्षय के लिए भाग्योदय के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। माथा चेहरे का केंद्रीय भाग होता है, इसलिए मध्य में तिलक लगाया जाता है। पूजा और भक्ति का एक प्रमुख अंग तिलक है। भारतीय संस्कृति में पूजा अर्चना, संस्कार विधि, मंगल कार्य, यात्रा गमन, शुभ कार्यों के प्रारंभ में माथे पर तिलक लगाकर उसे अक्षत से विभूषित किया जाता है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि संगम तट पर गंगा स्नान के बाद तिलक लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैष्णव संप्रदाय में हमारे श्री संप्रदाय ये किशोरी जी का चंदन है। हम लोग श्री लक्ष्मी किशोरी जी के नाम पे श्री चंदन लगाते हैं। संप्रदाय में हर संप्रदाय में कोई बिंदी लगाता है, कोई चांद बिंदी लगाता है, कोई श्री संप्रदाय खड़ा लगाता है। ये एक श्री का जो है महत्व होता है। हमारे चार संप्रदाय में दंडवती भी होती है, मत्था टेकू भी होता है, आदेश भी होता है, अड़ियन भी होता है। कई प्रकार से दंडवती किया जाता है, इसी प्रकार कई चंदन लगाए जाते हैं। तिलक लगाने से मन को शांति मिलती है। इंसान के शरीर में कुछ सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र होते हैं जो अपार शक्ति के भंडार है। इन्हें चक्र कहा जाता है। माथे के बीच में जहां तिलक लगाते हैं वहां आज्ञा चक्र होता है। तिलक लगाने के 12 स्थान हैं: सिर, ललाट, कंठ, हृदय, दोनों बाहुन, बाहुमूल, नाभि, पीठ, दोनों बगल में। इस प्रकार 12 स्थानों पर तिलक करने का विधान है।